नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप सभी के लिए 24 फीट बाई 30 फीट का हाउस प्लान तैयार किया है। इसमें वन साइड रोड और 3 साइड अदर प्रॉपर्टीज हैं। आप सभी को मेरा बनाया हुआ प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप सभी को मेरे बनाए हुए हाउस प्लान पसंद आ रहे हैं, आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप प्लान देखते हैं। हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और ये रोड साइड है। रोड साइड ये 24 फिट वाइड है। यहाँ पर हमने मेन गेट दिया है, ये 7 फिट 10 इंच है, और यहीं से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए हमने स्टेयर केस दिया है। ये इसमें 3 फिट वाइड स्टेयर्स हैं जो इस प्रकार से ऊपर हम जा सकते हैं। और ये बराबर में ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज है 15 फिट बाई 10 फिट। इसका एक रोड हम गेट हमने रोड साइड भी दिया है, और ये वेंटिलेशन के लिए हमने रोड साइड विंडो दी है, और यहाँ हम अपना फर्नीचर अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं लॉबी में। लॉबी का साइज है 15 फिट 6 इंच बाई 8 फिट 6 इंच। ये 15 फिट 6 इंच ये साइड रहेगी और 8 फिट 6 इंच ये साइड रहेगी। और यहीं पर ही हमने ओपन किचन दिया है। किचन का 8 फिट 6 इंच वाइड है, और यहाँ पर हमने गैस स्टोव और यहाँ सिंक अरेंज किए। और ये वॉश एरिया है 3 फिट बाई 8 फिट 6 इंच का, और ये ओपन रहेगा यहाँ से। और इधर की तरफ ये टॉयलेट है 4 फिट बाई 8 फिट 6 इंच का। और ये बेडरूम है 10 फिट बाई 10 फिट का। यहाँ पर हमने ओपन स्पेस दिया है OTS वेंटिलेशन के लिए इस रूम में, और यहाँ पर ये कवर्ड प्रोवाइड किए है। और ये दूसरा बेडरूम है, ये हमारा 10 फिट बाई 6 इंच बाई 10 फिट का, और इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो दी है वॉश एरिया की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।